मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेटोरिया के बारे में। स्टेटोरिया के बारे में आपने सबसे पहले जॉइंटिस में पढ़ा होगा, उसके बाद इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो जीआईटी में आता है। तो स्टेटोरिया पे कई बार वाइवा वॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आपसे इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्टेटोरिया क्या कंडीशन होती है? सो बेसिकली स्टेटोरिया इज़ एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फैट इन द स्टूल्स एंड इट इज़ अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ फैट माल एब्जॉर्प्शन। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें फैट का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और फैट जो है स्टूल्स में यानी फीसिस में अपेयर होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को स्टेटोरिया बोलते हैं। इसके कई कॉजेज होते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज में आता है पहला इम्पेयर्ड एक्सेसिव सिक्रेशन, एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज। अगर एक्सोक्राइन सिक्रेशन यानी पैनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन किसी भी वजह से कम हो जाए, इम्पेयर हो जाए, तो स्टेटोरिया की कंडीशन आ सकती है। दूसरा होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी किसी भी वजह से अगर HCl की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए स्टमक में तो हाइपर सिक्रेशन कंडीशन कहलाती है गैस्ट्रिक एसिड की। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन या कॉज हो सकता है कि डिफेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स इन डिस्टल इलियम। तो इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि इम्पेयर्ड एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज होने से क्या होगा, डिक्रीज इन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। आपको मालूम होना चाहिए पैनक्रेटिक जूस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और फैट डाइजेशन के रिलेटेड एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा तो इन एंजाइम्स की जो कमी है वो सिक्रेशन में आ जाएगी, जिसके वजह से डाइजेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा फैट्स का। और जब ये इम्पेयर्ड हो जाएगा दैन दिस वुड लीड टू फैटी बल्की क्ले कलर्ड स्टूल्स एंड दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेटोरिया। इट मीन्स मोस्टली ड्यू टू द लाइपेज डेफिशिएंसी, पैनक्रेटिक लाइपेज की कमी हो जाए अगर किसी भी वजह से, अगर पैनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन कम हो जाए तो पैनक्रेटिक लाइपेज की कमी हो जाएगी, जिससे फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या होगा कि बल्कि फैटी क्ले कलर स्टूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटोरिया, ठीक है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट कॉज होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो किसी भी वजह से अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए गैस्ट्रिक एसिड का तो इसकी वजह इनहिबिशन हो जाता है लाइपेज का। लाइपेज इज़ एन एंजाइम जो कि फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंटली अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा है कि लैक ऑफ एल्कलाइन सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज लोअर द पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। एज वी नो दैट कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमेशा उसके जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो हैं पैनक्रियाटिक जूस के, ये एल्कलाइन मीडियम में इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। तो अगर किसी भी वजह से ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड नहीं हो पाए, फॉर एग्जांपल अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड हो गया तो एल्कलिनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो पैनक्रेटिक एंजाइम और स्पेशली पैनक्रेटिक लाइपेज जो है वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा एंड डिक्रीज इन फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फैट का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स इन डिस्टल इलियम। डिस्टल इलियम से बाइल एसिड्स का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिफेक्टिव हो जाए, कम हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि 50% इनडाइजेस्टेड फैट जो है वो फीसिस में अपेयर हो जाएगी। सो आई होप कि स्टेटोरिया से रिलेटेड अगर कोई भी वाइवा वॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। इफ़ यू वुड लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह से और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।